पैसों को बचाने के लिए पूरे अधिकारी एक हो गए हो, सरकार एक हो गई हो, तो समझ लो साजिश कितनी बड़ी है। मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। एटा में, कासगंज में एक एसओ एक महिला के साथ गलत काम किया उसने, कई महीनों किया, और उस पति को इसलिए कि डराता था कि इनकाउंटर कर देंगे, इसलिए उस महिला के साथ सोने लगा और उसको प्रेग्नेंट कर दिया, गर्भवती कर दिया। जब जनता जानी और जब पार्टी को जानकारी हुई तो उसकी आवाज उठी और आप पता कर लेना वो एसओ जेल में है, एसओ जेल में है वहां पर एटा में। अगला स्टैंड क्या होगा पार्टी? इसलिए हम कह रहे हैं कि जिसने हत्या की है उसको जेल जाना चाहिए, उसको 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हमें शासन और प्रशासन पे भरोसा नहीं है। जो लोग आरोप हम पे लगाते थे, जो आरोप हम पे लगाते थे कि जातिवादी लोग हैं, क्या प्रधानमंत्री नहीं आए थे जालौन में? क्या भाषण दे रहे थे प्रधानमंत्री, याद कीजिए आप। जिस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया हो, जिस प्रदेश ने राष्ट्रपति दिया हो, बताओ वहां की जनता को न्याय ना मिल रहा हो? और फिर जिस प्रदेश के एक योगी मुख्यमंत्री हो, वो क्या क्या सिखाएंगे समाज में, क्या दिखा रहे हैं? क्या मानते हैं आप घटना के लिए जिम्मेदार कौन है? पूरा का पूरा पुलिस दोषी है। आपका अगला स्टैंड क्या होगा? बीजेपी का आज भी आरोप पूरा पुलिस दोषी है इसके अंदर। बीजेपी का आज भी आरोप ये है। हमारा मानना है कि हाई कोर्ट के माननीय सिटिंग जज की जांच होगी तो दूध का दूध पानी पानी का पानी हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि हम न्याय के लिए जो भी रास्ता है वो अपनाएंगे कि न्याय कैसे इस परिवार को मिले। कमीशन की अगर नोटिस किसी सरकार को मिले हैं तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार को मिले हैं। कस्टोडियल डेथ अगर कहीं सबसे ज्यादा हुई है तो वो आपके उत्तर प्रदेश में हुई है सबसे ज्यादा। कानून व्यवस्था में भी लगातार नीचे जा रही है और भ्रष्टाचार का आप तो सोच ही नहीं सकते। आपको सब पता है, आपसे कुछ नहीं छिपा, क्योंकि आप भी लोकतंत्र के एक हिस्सा हैं, स्तंभ हैं। और याद कीजिए, केवल एक प्रेस के नौजवान ने ये लिख दिया कि नमक रोटी खिलाई, बताओ उसमें झूठा मुकदमा लग गया था कि नहीं लग गया था। तो इसलिए आप भी सोचो लोकतंत्र बचाने के लिए और कम से कम इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए। जो लोग ये कह रहे हैं कि यादव है इसलिए हम न्याय दिला रहे हैं, हम तो कहते हैं कि जितने लोग हैं जिसके साथ न्याय हुआ है उसके साथ पार्टी खड़ी है। और अब तो 2.5 साल खत्म हो गए सरकार के, अब तो उल्टी गिनती है, जनता सब देख रही है और समय आने पर जनता फिर जवाब देगी। न्याय दिलाने के लिए क्या करेंगे सरकार? आपकी बात, इनकी बात मान नहीं रही है, आपकी बात मान नहीं रही है। हमें उम्मीद है कि हाईकोर्ट मदद करेगा और अगर थोड़ा भी कुछ बचा है राम राज्य का, कुछ भी हिस्सा अगर छोटा बहुत इनके दिल और दिमाग में पड़ा है तो शायद इस परिवार को न्याय मिल जाएगा। ये हिंदू रीति रिवाज उनके लिए केवल इस वोट लेने तक सीमित है। वोट लेने के लिए सब कुछ इनके पास है, लेकिन किसी गरीब को न्याय दिलाने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए परिवार की जो मदद है वो हम करेंगे। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री पे मुकदमे हो, जिस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पे मुकदमे हो, और जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री के मुकदमे वापस लिए हो, और जिस प्रदेश ने मुख्यमंत्री ने अपने मुकदमे वापस लिए हो, और सोचिए आप, एक स्वामी जी शाहजहांपुर के तेल लगवा रहे थे, बताओ उस बेटी ने आवाज उठाई, उसे जेल भेज दिया, क्या न्याय मिला उसको? एक साधु संत ने इलाहाबाद से, कहां से, सबसे पवित्र जगह है वो, हम और आप न जाने कितनी बार गए होंगे वहां पर प्रयाग में, संगम में, जब संगम से आवाज उठी, कहा कि ऐसे संत स्वामी की सजा मिलनी चाहिए, क्या दबाव बनाया होगा कि वो हमारे संत भी बदल गए? क्या नहीं बदल गए? बताओ चिन्मयन जी को क्या कोई मिलना है? अध्यक्ष जी, इस लड़ाई में, आपकी इस लड़ाई में सरकार के खिलाफ जो लड़ाई है, और विपक्षी दल साथ नहीं आ रहे हैं। हम मैं समझता हूँ विपक्षी दल आएंगे और हम तो उनसे कहेंगे, हम उनसे कहेंगे कि अगर ये अन्याय हो रहा है तो जरूर आना चाहिए, साथ देना चाहिए, कम से कम समाजवादी पार्टी का न दें, इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए इनका साथ दें।